फाखल के कहने पर फाफे की माँ हबीब से बात करती है और उन्हें आफिस आने की दावत देती है। वो आकर आफिस जाए इधर है, लेकिन वहाँ पर फाखल की माँ ही सीधे बैठती है और हबीब को अब्जर्व करते रहती है, लेकिन वो उससे अपना काम करवाते रहते हैं क्योंकि कई कागजात का उन्हें पता होता है, फाफर को भी पता होता है। वो कागजात सारे मंगवाती रहती है ताकि इस कारोबार को अच्छी तरह से जांच सके। वो समझ चाहती है कि जितने कागजात हैं वो कुछ उन्हें समझ लिए। बाद में वो हबीब को वहां से फार पाते ही, क्योंकि हबीब ने कारोबार का बहुत ज्यादा नुकसान करवाया। हबीब यह देखता है कि उसकी इस ऑफिस में कोई वैल्यू नहीं। वो कहता है, भाभी आपने तो मुझे यहाँ एक पीएम ने दौड़ पड़ाती है, ये वाला काम मुझसे करवा रहे हैं और तो मेरी यहाँ पर हैसियत हो रही। फाफर की माँ कहती है, नहीं मैं आपको आई समझते, आप ये वाला काम नहीं कर रहे, आप मेरी भाई का ही, क्योंकि मुझे तो इन डॉक्यूमेंट्स वाले का पता नहीं है। इसी ये डॉक्यूमेंट वही चाहिए वो आप ही मुझे दे रहे हैं, यदि आपके पास भी मैं बोल सर। अमीर चुप कर जाता है।